वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज के इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं कामाख्या यादव हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला एज ए जूम प्रेजेंटेशन। हेलो, आप सभी सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहे हैं। तो आज हम लोग बहुत खुश है कि आज हम लोग एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे और ये वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस है और इस बिजनेस को बताने के लिए हमारे बीच एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लेडी मौजूद है जो इंडियन रेलवे में रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है और काफी बिजी शेड्यूल के बाद भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो काफी कुछ आज हम लोग उनसे सीखेंगे, सो उनको यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ। सो काफी सो हेल्प मी वेलकम मिसेस सुष्मिता साहा। थैंक यू होस्ट, आपने इतने अच्छे तरह से अमेजिंग वे से मेरा यहाँ पे वेलकम किया है और यही बात इस बिजनेस में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसका रिकॉग्निशन, क्योंकि ऐसा कहीं पे होता नहीं है। इनफैक्ट मेरे प्रोफेशन में भी आज तक मैं इतनी अच्छी तरह से कभी रिकॉग्नाइज नहीं की गई हूँ। ओके, सो मेरा नाम है सुष्मिता साहा, आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं प्रोफेशनली आई एम रेडियोग्राफर, मैं लास्ट 6 ईयर्स इस प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ और एट प्रेजेंट मैं इंडियन रेलवेज के मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। तो इस बिजनेस को एक्चुअली इस आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलने से पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैं वो कर लेना चाहूंगी। और एक्चुअली आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर ओनली एंड बचपन से ही आई वॉज अ क्वाइट ब्राइट स्टूडेंट, पढ़ाई में भी अच्छी थी एंड ऑल्सो आई हैड इंटरेस्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट एज वेल एज इन म्यूजिक ऑल्सो आई हैड इंटरेस्ट। ओके, एंड माई मॉम शी वॉज अ सर्विस वूमेन, वो उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ अपनी फैमिली को बहुत ही एफिशिएंट वे में हैंडल किया है और उन्हीं की बदौलत आज हम सारे भाई बहन अपने अपने फील्ड में बहुत ही काबिल हैं। ओके, तो माय मॉम शी हैंडल हर प्रोफेशन एज वेल एज हर फैमिली वेरी वेल। ओके, ये मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये सब अच्छी तरह से निभाया, पर ये सब करते हुए कहीं ना कहीं उनका हेल्थ थोड़ा सा अफेक्ट हो गया। ओके, क्योंकि उन्हें बहुत सारे हेल्थ एलिमेंट्स भी थी और ये सब हैंडल करते हुए उन्होंने एक्चुअली शी हैड टू लूज हर लाइफ इन क्वाइट अ यंग एज। ओके, तो जब मैं पढ़ रही थी व्हेन आई वाज, मतलब हम लोग जब छोटे थे तो मेरी मॉम ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि अच्छे से पढ़ो, एक अच्छी जॉब लो और योर लाइफ विल बी सेट। ओके, क्योंकि उन्होंने भी यही सीखा था, उन्होंने भी अपने मतलब अपने चाइल्डहुड में उन्होंने भी यही सीखा था, तो उन्होंने भी हमें यही सिखाया था और मुझे भी तब ऐसा ही लगता था कि शायद एक अच्छी जॉब होने से मतलब माय लाइफ विल बी सेट। और मेरी मॉम ने हालांकि बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए थे अपने पर्सनल लाइफ में, वो सब मुझे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब लूंगी। इवन मेरी मॉम जो कर रही है उससे भी ज्यादा अच्छी एक मैं मतलब आई विल टेक ए जॉब। ओके, ऐसा मुझे लगता। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई कम्प्लीटेड माई बीएससी इन जूलॉजी, अ सब्जेक्ट विच आई लव मोस्ट, एंड मेरे प्लान्स भी वही थे कि मैं उस पर मास्टर्स परसू करूँ, बट कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आई कुडंट डू इट। और उसके बाद मेरी मॉम शी वॉज ऑल्सो इन टू मेडिकल फील्ड, तो उन्होंने कहा कि रेडियोग्राफर मतलब ये जो कोर्स है ये आपके लिए ठीक रहेगा, और मुझे भी तब वही लगा था, तब इसीलिए मैंने उनकी बात मतलब मैं उनकी हर बात मानती थी, तो इसीलिए मैंने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया। और जब मैं ये कोर्स कर रही थी, जब मैं पीजी कर रही थी रेडियोग्राफी में, तब मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी बने, बहुत अच्छे अच्छी फ्रेंडशिप्स, मतलब फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम वैसे भी मेरे कई सारे बने। तो उसके बाद व्हेन आई कम्प्लीटेड द कोर्स एंड जब मैंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे मतलब अपने अपने कदम रखे, और व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग। ऑल्दो यही हमें सिखाया जाता है बचपन से कि एक अच्छी सी जॉब लेने से सब कुछ सेट हो जाएगा, पर ये बात गलत है क्योंकि जॉब में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि आपका आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, और वो आप अगर चाहे भी तो उसे आप बढ़ा नहीं सकते। ओके, और जॉब लाइफ में आपके
आपके पास टाइम भी लिमिटेड होती है, उसी टाइम के दौरान आपको मतलब यू हैव टू गिव फिक्स टाइम टू योर जॉब एज वेल एज यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अलोंग साइड। तो उसके बाद जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कर रही थी, जॉब कर रही थी, तब माई मॉम मेट विद एन एक्सीडेंट एंड शी हैड टू गो अ सर्जरी फॉर ब्रेन, वो उनको एक ब्रेन सर्जरी करवाना पड़ा। तो उस टाइम पे वी वेर नॉट सो मच इकोनॉमिकली स्टेबल, मैं भी इतनी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थी कि मैं वो अफोर्ड कर पाऊँ, और मॉम वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच इकोनॉमिकली स्टेबल। सो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि वी हैड टू मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस इन केस ऑफ हर ट्रीटमेंट, ओके, एंड विच लेड हर टू लूज हर लाइफ। तो मतलब ये सब हो जाने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग कि अगर हमारे पास मतलब अगर मैं इतनी इकोनॉमिकली स्टेबल होती तो शायद उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट मैं दे पाती और शायद वो बच भी जाती। बट इट्स ओके, वो होने के बाद स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ओके मुझे अपना जॉब चेंज करना है एंड आई नीड टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू द गवर्नमेंट सेक्टर। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे ये शिफ्ट एक अच्छी लाइफस्टाइल दे और एक अच्छी मतलब एक अच्छी सैलरी पैकेज दे। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई स्टार्टेड मीन्स अपियरिंग इन वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स इनसाइड एंड आउटसाइड माई फील्ड ऑल्सो। फिर मुझे मैंने एक दो एग्जाम्स भी क्रैक किए थे तब, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक। आई चेंज्ड माय फील्ड बिकॉज तब मुझे ये मतलब मुझे ये जॉब मिला था और मुझे लगा था कि ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक और उसी दौरान जब मैं वहाँ काम कर रही थी तब आई गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर इन इंडियन रेलवे ऑल्सो। सो मेरे तो खुशी के ठिकाने नहीं थे क्योंकि इंडियन रेलवे में जॉब इज लाइक मतलब आउटसाइड से तो सभी को ऐसा ही लगता है कि इट्स अ ड्रीम जॉब फॉर एवरीबडी, राइट। सो आई लेफ्ट माई जॉब इन द बैंक एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन रेलवे। देन अगेन आई न्यू फेज इन लाइफ, न्यू जॉब, एवरीथिंग वॉज स्मूथ फॉर द फर्स्ट 1 to 2 months। बट देन अगेन आई स्टार्टेड फीलिंग मीन्स अ लिटिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन माई जॉब। But still, I had a very good package. Even now, I have a very good salary package. But still, I am not satisfied in my job because my job has put me under certain limitations. Okay. मेरे जॉब के बारे में जो मतलब what I feel about my profession is that मेरा profession ऐसा होना चाहिए जो कि मुझे learning के लिए scope दे और मैं उसको I can improve my professional career. ऐसा होना चाहिए पर यहाँ पे मुझे वो स्कोप नहीं मिलता है। द वर्क प्रोफाइल विच आई एम इन नाउ इज हैज लिमिटेशंस, ओके, हैज सर्टेन लिमिटेशंस। सो उसके बाद व्हाटएवर इन सब के बारे में मैंने सोचा नहीं था तब एंड आई वाज वर्किंग। बट देन अगेन वन डे मेरी एक फ्रेंड, उसको मैंने रेडियोग्राफी पढ़ते हुए मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी, शी इंट्रोड्यूस मी मीन्स She told me about an opportunity. Okay. पर क्या है ना, हमारे कुछ preconceived notions होते हैं, right? So तब मैंने जब उसके मुँह से first time इस opportunity के बारे में सुना था, I was very negative. मुझे मतलब I was like, नहीं नहीं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ देखने वाली हूँ, I'm not going to join. तुम कुछ भी बोलो, मुझे ये मेरे लिए नहीं है, I'm not into it. For your sake, I'll just see the opportunity. मैंने उसे ऐसा कहा कि तुम्हारी वजह से तुम मेरी बहुत अच्छी friend हो, I'll just see the opportunity. उसको मैंने बस इतना कहा। बट लाइफ हैज अदर प्लान्स फॉर अस, राइट। सो जब मैंने ये प्लान देखा, जिस दिन मैंने ये प्लान देखा उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस पे साइन करने वाली हूँ, मैं इस फॉर्म पे साइन करने वाली हूँ। तब हमारे फिजिकल मीट्स हुआ करते थे, ऐसे हम लोग ऑनलाइन नहीं कनेक्ट करते तब। तो जब मैंने ये प्लान देखा, दैट डे इटसेल्फ आई डिसाइडेड कि मैं इस फॉर्म पे साइन करने वाली हूँ क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में मुझे वो सारी पोटेंशियल दिखी जो मुझे अपने जॉब में नहीं दिखी, उस टाइम तक तो नहीं दिख रही थी, ओके। और मेरे जो सारे ड्रीम्स थे, मैं बचपन से बहुत ही मतलब आई वॉज अ ड्रीमर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, ओके। क्योंकि ऐसा होता है ना, चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है, ये हर किसी के लाइफ में आता है, तब हम बहुत इनोसेंटली हमारे ड्रीम्स देखते हैं, राइट, विदाउट एनी लिमिटेशन हम अपने सपनों
को पूरा करने का मतलब जो जोश रहता है हमारे अंदर वो चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि तब हम इनोसेंटली हर एक बात, तब हम बहुत इनोसेंटली बोलते हैं, राइट। बट क्या होता है, वही इनोसेंस जब हम धीरे धीरे एडल्टहुड में पैर रखते हैं ना, और वर्ल्ड इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड से हम लोग रूबरू होते हैं, देन ऑल द ड्रीम स्टार्ट्स टू फेड, राइट। कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है, और मतलब ऐसा होता है पर खत्म नहीं होते ड्रीम्स, किसी मन के किसी कोने में ये सब दब जाते, राइट। क्योंकि तब हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तब हमारे ऊपर मतलब प्रेशर होता है कि हम अपने फैमिली को देखें, प्लस हम अपना करियर सेट करें, ओके। इन सब में कहीं हमारे ड्रीम्स फेड हो जाते, कहीं धुंधले हो जाते, राइट। सो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, पर उस दिन जब मैंने ये प्लान देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरे सपने फेड हो रहे हैं, मैं उन्हें फेड नहीं होने दे सकती, क्योंकि माई ड्रीम्स आर वेरी वेरी डियर टू मी, ओके। और मैं चाहती हूँ कि वो पूरे हो मेरे लाइफ में, ओके। और मेरी जॉब मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती, ओके। तो तब मैंने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है, और मुझे ये बहुत पैशनेटली करना है, क्योंकि इस फील्ड में क्या होता है ना, मैंने मतलब इसके साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएटेड होके क्या देखा, यहाँ पे इतने सारे वेरिड बैकग्राउंड्स के लोग हैं ना। आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, आपको लॉयर्स मिलेंगे, आपको आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे, यू नेम इट, आई हैव सीन देम इन दिस बिजनेस, ओके। सो ऐसा मतलब इतना पोटेंशियल वाला बिजनेस इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था, ओके। सो आई जस्ट उसी टाइम पे मैंने ये ठान लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो उसी हिसाब से मैंने काम किया। अब आता है मेन पॉइंट, मे आई हैव द स्लाइड्स प्लीज। हम अगर कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वाई, ओके। क्योंकि अगर मैं आज जॉब कर रही हूँ तो मैं जॉब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बिना कुछ रीजन के अगर मैं करती हूँ तो वो तो होने से रहा, राइट। कुछ भी हम करेंगे उसके पहले हमें अपना वाई क्लियर करना होता है, राइट। और हाउ एंड वॉट ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है वंस वी डिसाइड ऑन आवर वाई, ओके। सो मुझे अपने वाई पे पूरा फोकस मैंने किया, और मैंने अपना वाई क्लियर किया, मुझे क्यों करना है ये बिजनेस, ओके। तो जब मेरा वाई क्लियर हो चुका था, तब मेरे सामने एक और क्वेश्चन आया कि हम अर्न करते हैं, राइट, वी अर्न मनी, वाई डू वी अर्न मनी। इतना जो मैं जॉब कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, द मेन मोटिव इज टू अर्न मनी, राइट। द मेन फैक्टर इज फाइनेंस, बट वाई, वाई डू वी नीड मनी? वी नीड मनी बिकॉज टू पे आर बिल्स, ओके। 60% ऑफ आर मनी गोज वेयर, इन पेइंग आर बिल्स, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रोसरी बिल्स, हाउस रेंट्स, ईएमआई, ओके। इधर मैं अभी यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ईएमआई आज के डे पे ऐसा बहुत ही, आपको 2 to 3% लोग मिलेंगे जिनका कोई भी ईएमआई नहीं होता है, राइट। बिकॉज आजकल क्या होता है, अगर हम एक अच्छी फ्लैट लेना चाहेंगे, अगर हम एक अच्छी कार लेना चाहें, एक्चुअली अच्छी कार तो बहुत दूर की बात है, अगर हम एक कार लेना चाहें, एक सिंपल सी एक छोटी सी कार लेना चाहें, तो भी वी वी गो फॉर ईएमआई, राइट। तो ईएमआई हमें पे करना होता है, उसके लिए हम अर्न करते हैं, तो ये सब बिल पे करने के बाद हमारा जो, उसके बाद जो मेजर मतलब मेजर जो वास्ट एरिया आता है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन, क्योंकि आज के दौर पे एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, ओके। वेदर इट बी द स्कूल फीस ऑफ योर चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म फीस, बुक फीस एटसेट्रा, सब कुछ मिला के एजुकेशन इज नॉट मतलब इतना सस्ता तो नहीं आता, ओके। और उसके बाद अगर कुछ भी मतलब बच जाता है, इफ वी आर एबल टू सेव एनीथिंग, देन वी सेव इट फॉर द फ्यूचर। अब फ्यूचर में मतलब मैं कुछ मतलब अच्छे बुरे कामों के लिए मतलब हमें पैसा चाहिए होता है फॉर द फ्यूचर, सो वी सेव फॉर द फ्यूचर। आज के डेट पे अगर आप मतलब लोगों से पूछे तो ऐसा भी है कि किसी किसी का सेविंग्स नेगेटिव में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम, राइट। तो उसके बाद भी अगर किसी का मतलब बच जाता है, सेव करके भी अगर कुछ 1-2 रुपया बच जाता है, तो वी फोकस ऑन फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स, ओके। अब ड्रीम्स तो हर किसी के होते हैं, राइट। कोई उनको रियलाइज करता है, कोई रियलाइज नहीं कर पाता है, राइट। क्योंकि एक अच्छा कार, एक अच्छा घर, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है कि नहीं, ये सब हर किसी के ड्रीम लिस्ट में होते हैं, पर कोई कोई उन्हें रियलाइज नहीं कर पाते, राइट।
फॉलो योर हॉबीज। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में, डांसिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही, पर हमारे इकोनॉमिक कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे कि मॉम हमारे स्टडीज के साथ साथ ये सब भी अफोर्ड कर पाए। मेरे डैड इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, ओके सो मेरी मॉम के पास इतना इतना भी रिसोर्सेस नहीं था कि चार बच्चों, वी आर फोर सिब्लिंग्स, चार बच्चों की पढ़ाई के बाद उन्हें मतलब और इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए हो, इतना भी हम लोग इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे तब, राइट? तो हमें हॉबीज भी फॉलो करने के लिए वी नीड मनी, है कि नहीं? ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब आजकल के अभी अभी के पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट पेंडेमिक तो एक वक्त में खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद तो वी कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? और अगर आपके पास पैसा हो और टाइम हो, हू डोंट वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, है कि नहीं? तो ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स मनी, राइट? एंड बैलेंस लाइफ, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, टाइम एंड मनी का जो एक परफेक्ट बैलेंस के साथ आपको एक लाइफ, मतलब जो लाइफ ऑफ चॉइस मैं चाहती हूँ मेरे लिए, दैट बैलेंस लाइफ वी ऑल्सो मीन्स ये बिजनेस हमें हमें ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है, राइट? बट अगर हम बैलेंस लाइफ की बात करें तो आज के डेट पे क्या हमारी लाइफ बैलेंस्ड है? क्या हमारे पास मनी और टाइम का परफेक्ट बैलेंस है? तो ये देखने के लिए हमें एक बात यहाँ पे समझना होगा कि हम जो पैसा अर्न करते हैं वो हम कैसे अर्न करते हैं, हम तक कैसे पहुंचता है वो पैसा, ओके? वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफाउंड राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने एक बुक पे, उन्होंने अपने एक बुक पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस बुक पे उन्होंने चार क्वाड्रेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से ये क्लियरली बताया है कि हम जो पैसा अर्न करते हैं वो हम तक कैसे पहुंचता है, राइट? सो अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड अपर क्वाड्रेंट इज द एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। लाइक मैं अभी इंडियन रेलवे में काम कर रही हूँ, तो आई एम एन एम्प्लॉय अंडर द रेलवे, ओके? वो लोग जो कहेंगे, जिस हिसाब से कहेंगे, मुझे उस हिसाब से काम करना है, राइट? बिकॉज दे आर माई बॉस एंड आई एम देयर एम्प्लॉय, राइट? लेफ्ट हैंड साइड लोअर क्वाड्रेंट इज द सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। मतलब कोई कोई ऐसा होता है ना जो अपना एस्टेब्लिशमेंट, मतलब अपना ग्रोसरी शॉप वगैरह खोलते हैं, तो वो लोग है सेल्फ एम्प्लॉय, उनके पास कोई फिजिकल बॉस नहीं है, दे डोंट हैव अ फिजिकल बॉस, बट दे आर द स्लेव्स ऑफ टाइम, है कि नहीं? अगर वो एक परफेक्ट टाइम पे अपना शॉप नहीं खोलेंगे और एक परफेक्ट टाइम तक उसे खुला नहीं रखेंगे, तो क्या उन्हें इनकम आएगा? नहीं आएगा, राइट? आज उनका शॉप खुला, नेक्स्ट दो दिन बंद रहा, फिर थर्ड डे खुला, तो ऐसे करके क्या उनके पास कस्टमर्स आएंगे? नहीं आएंगे, राइट? सो दे आर ऑल्सो स्लेव्स ऑफ टाइम, राइट? राइट हैंड साइड अपर क्वाड्रेंट है बिजनेस क्वाड्रेंट, सो हियर कम्स द ट्विस्ट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड अपर क्वाड्रेंट जो बिजनेस क्वाड्रेंट है, उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं टाटा, बिरला, अदानी जैसे बिजनेसमैन, ओके? जो अपने अंडर वो लोग ऑलमोस्ट मतलब एम्प्लॉइज को रखते हैं अपने अंडर, और वो जो एम्प्लॉइज का जो वक्त है, टाइम है, almost 500 to 1000 employees work under them, okay? So उन्होंने अपने under employees रखे और उन employees के 8 to 10 hours daily basis पे उन्हें income आता है। Businessman वो लोग क्या करते हैं? अगर एक आदमी का 8 to 10 hours हो तो 500 आदमी का कितना होगा? तो इस हिसाब से वो लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से दे ओन अ सिस्टम, वो अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और इसके हिसाब से उनके पास पैसा आता है, ठीक है? वो भी सही बात है, पर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, बिग बिजनेसेस आल्सो समटाइम्स मतलब कांट लास्ट, ओके? लाइक आप अगर भी एक मैं बिग बाजार की बात करूँ तो इट इज अ वेरी बिग ह्यूज चेन ऑफ बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, राइट? बट इस पेंडेमिक में क्या हुआ, उनका भी बिजनेस फॉल हो गया, राइट? फॉल हो गया मतलब इट अगेन वेंट ऑफ टू जीरो, राइट? क्यों हुआ? क्योंकि पेंडेमिक में सब कुछ बंद है, मतलब ऑफलाइन स्टोर्स सारे बंद है, ओके? सो अगर स्टोर्स बंद है तो फ्रॉम वेयर विल दे गेट द इनकम, राइट? तो इस केस में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने क्या कहा है, द परफेक्ट क्वाड्रेंट इज द इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मनी वर्क्स फॉर देम, मनी इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना कैश इन्वेस्ट करते हैं ऐसे कुछ चैनल्स में जो उनको इन फ्यूचर जाके एक सरप्लस रिटर्न देते हैं, ओके? सो
लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट और राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट में वर्ल्ड के 95% लोग इसी क्वाड्रेंट में आते हैं, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, 8 to 10 hours पर डे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से उन लोगों को पैसा आता है. ओके और जो राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट है उसमें वर्ल्ड के वेरी फ्यू 5% पीपल उसमें आते हैं, 5% लोग उसमें आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने अंडर नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क से उन्हें पैसा आता है. राइट तो लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट का जो इनकम है उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम, क्योंकि आप अगर एक्टिवली इन्वॉल्व है तो ही आपको इनकम आएगा, अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है देन इनकम विल नॉट कम टू यू. ओके एंड राइट हैंड साइड का जो इनकम है वो है पैसिव इनकम, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट मैटर नहीं करता. क्या आपको लगता है कि अंबानी रोज आके मतलब ऑफिस में आते हैं? वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन लोगों ने अपने अंडर जो एम्प्लॉयज को रखा है वो लोग सारा सिस्टम देखते हैं, और इवन उनका जो बिजनेसमैन है उनका फिजिकल प्रेजेंस इसमें मैटर नहीं करता. सो दैट इज अ पैसिव इनकम. ओके और जो जो टाइम एंड मनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिटेड है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज है, वी कैन वर्क फॉर 8 to 10 hours पर डे, इन रिटर्न वी गेट अ फिक्स्ड सैलरी. राइट बट इन राइट हैंड साइड यहाँ पे टाइम अनलिमिटेड है, क्योंकि आपके अंदर हजार हजार एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनका सबका 8 to 10 hours अगर आपको मिल रहा है तो एम्प्लॉयज जितना बढ़ेंगे आपका टाइम उतना बढ़ेगा. सो टाइम इज अबंडेंट हियर. ओके एंड अगेंस्ट दैट टाइम, बिकॉज वी ऑल नो दैट टाइम इज मनी. राइट सो अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मनी भी हमारे पास लिमिटेड है, अगर हमारे पास टाइम अबंडेंट है तो मनी भी हमारे पास अबंडेंट. राइट और इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी इज वेरी वेरी लो, क्योंकि वंस यू स्टॉप वर्किंग यू विल नॉट गेट पेड. द राइट हैंड साइड इवन इफ यू स्टॉप वर्किंग बट स्टिल द नेटवर्क विल जनरेट यू मनी, दैट मीन्स द सिक्योरिटी इज वेरी वेरी हाई. राइट सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसके बाद जो हमें मतलब अंडरस्टैंड करना होगा कि वो ये है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अभी है तो ऐसा क्या हमारे पास रास्ता है, ऐसा क्या हमारे पास व्हाट चांसेस वी हैव दैट वी कैन शिफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड क्वार्टर. राइट बिकॉज अगर हमें अपना फिनेंशियल और या फिर अगर हमें अपना सिक्योरिटी हाई करना है देन वी हैव टू शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड क्वार्टर. राइट बट एट प्रेजेंट डू यू हैव एनीथिंग विच कैन हेल्प यू शिफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड? बिकॉज शिफ्टिंग क्वाड्रेंट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. It will require infrastructure, it will require time, it will require staff, plus it is risky, it involves risk, right? तो ऐसा क्या ideal business है जो मैं start कर सकती हूँ in very low investment with zero infrastructure cost, जो मुझे low risk, मतलब which is not risky, plus where I don't have to take a lot of headache about the legal overheads, और जो मैं अपना flexible time पे bill कर सकूँ. Right? क्योंकि अभी जो मैं आपके साथ बैठ the way I'm मतलब अभी जो मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ that is in my flexible time, because now in the evening I have 1 to 2 hours of my flexible time, जो अगर अभी मैं इस business के साथ involved ना होती तो शायद मैं Facebook या WhatsApp पे मैं इसको मतलब waste कर रही हूँ. Right? So ऐसा क्या बिजनेस हमारे पास है जो कि हम अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे कर सकते हैं, रोज 1-2 घंटे के हिसाब से हम कर सकते हैं और जो कि हमें ये सारे मतलब प्रॉफिट्स हमें दे. ओके सो ऐसा बिजनेस जो मेरी सारे रिक्वायरमेंट्स को मैच करे दैट इज डायरेक्ट सेलिंग. ओके एंड ये आज के दिन में ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि द कंसेप्ट ये ऐसा एक कंसेप्ट है जो कि आइडियल बिजनेस के सारे मतलब क्वालिटीज को ये फुलफिल करता है और उसके साथ हमें एनेबल करता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना अपने प्राइमरी प्रोफेशन को हैम्पर किए हुए शिफ्ट कर सकते. राइट सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. तो उसके लिए हमें पहले एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझना होगा. ओके जो हमारे मतलब जो years years before से ये चलते आ रहा है कि कैसे हमारा मार्केट ऑपरेट करता है, हाउ डू वी गेट द थिंग्स विच वी बाय. राइट सो व्हाट हैपेंस
the company which is the manufacturer will manufacture the products, वो लोग products को manufacture करेंगे और वो हम तक पहुंचेगा through a channel of distribution along with advertisement. Okay, हम products कैसे खरीदते हैं? We just look at the advertisement. अगर advertisement हमें अच्छा लगा तो हम products खरीदते हैं, right? In fact, मैं तो यही करती थी, सालों से मैं यही करती आ रही थी until I saw this opportunity. ओके और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अच्छा लगता है एंड सो दे बाय द प्रोडक्ट्स, राइट? सो वो प्रोडक्ट क्या होता है, अगर फैक्ट्री में 40 टू 50 रुपीस में वो मैन्युफैक्चर होता है, हम तक आते आते दैट्स ऑलमोस्ट कॉस्ट, इट ऑलमोस्ट कॉस्ट्स अबाउट 100 रुपीस, राइट? बीच का जो 50 टू 60 रुपीस है वो कहा जाता है, वो जाता है जो CNF, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, हम तक जो वो लोग सामान पहुंचाते हैं. अब उनको भी तो परसेंटेज की जरूरत होगी ना, क्योंकि वो हम तक सामान पहुंचा रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इट टू अस, ओके, एंड दे आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक द परसेंटेज, राइट? और फिर एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होता है उस पे भी हमारा ही पैसा जाता है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं एज अ कस्टमर, वी आर पेइंग मनी टू द मार्केट, और उससे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सब CNF, होलसेलर, रिटेलर, सारे कॉस्ट उसी से मैनेज, राइट? तो ये है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. आजकल क्या होता है, आजकल ई कॉमर्स का जो मतलब ई कॉमर्स का ट्रेंड अभी बहुत चल रहा है, वो लोग भी इनफैक्ट यही करते हैं, वो लोग भी 40-50 रुपीस में अपना जो सामान है वो लोग मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, उनके पास अपना कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होता, ओके, पर वो लोग मैन्युफैक्चरर से वो सामान लेके हम तक पहुंचाते हैं, थोड़ा 5% या फिर 10% ऑफ में हमें देते हैं, बाकी का जो 40-50% है वो उनका प्रॉफिट. ओके, सो यहाँ पे समझने की बात ये है कि मनी, पैसा कहाँ ज्यादा है, पैसा ज्यादा है बीच के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, ना कि मैन्युफैक्चरर के पास, और कस्टमर तो अल्टीमेटली इज द लूजर, तो कस्टमर के पास तो कुछ आता ही नहीं है, और पैसा सबसे ज्यादा है बीच के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, राइट? तो यहाँ पे आता है यहाँ पे जो मतलब जो सिस्टम आता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग. और वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से 40-50 में वो प्रोडक्ट्स लेता है और हम तक पहुंचाता है 100 रुपीस में ही, पर जो बीच का डिस्ट्रीब्यूशन का जो 50-60% है वो भी हम तक, मतलब हम तक ही आता है द एंड ऑफ द मंथ. हाउ? बिकॉज हियर वी आर डूइंग द एडवर्टाइजिंग. ओके, वी आर मतलब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं कैसे, क्योंकि अगर कुछ सामान है, सपोज मैं आपको इस टूथपेस्ट की बात करूं जो जो कि है ग्लिस्टर, ओके, ये सामान मैं यूज करती हूँ, मैं यूज करके अगर मुझे अच्छा लगा, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये सामान किसी और को प्रमोट करूंगी, मेरे फ्रेंड्स को, नेबर्स को, क्योंकि हम ऑब्वियसली ये चीज हम करते ही है, राइट? अगर मैंने कोई अच्छी नई मूवी देखी और मुझे अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं, राइट? तो इधर भी हमें वही करना है, हमें यूज करना है, वी नीड टू गेन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड देन वी नीड टू प्रमोट इट, और यूज और प्रमोट के लिए हमें पैसा मिलेगा. इजंट दैट ग्रेट? दैट्स ऑसम. इनफैक्ट दैट्स ऑसम, राइट? सो ये होता है द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेल. इनफैक्ट ये इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है कि आजकल ये इंडिया में इसका कोर्स भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, शूलिनी यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, ओके, उन्होंने एक पूरा कोर्स इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्ट सेलिंग पे, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेट पे जाके सर्च करें तो इसका कोर्स फी है ऑलमोस्ट 1.5 लाख, और ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको इस फील्ड पे एक आईडी बनाने के लिए यू नीड टू क्वालिफाई दैट कोर्स, राइट? तो अभी हम लोग तो यहाँ पे वी आर वेरी लकी दैट विदाउट एनी सच कोर्स वी आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू दिस ह्यूज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, राइट? तो अगर हम ऐसे मतलब डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि हमें ये सब मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके. द बिजनेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज द एमवे बिजनेस, एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी प्राउड टू टेल यू दैट एमवे इज द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ruling the market for over last 60 years all over the world, 108 countries में इसका business बहुत ही मतलब awesome तरीके से spread हो रहा है, और India में भी last almost 20-22 सालों से India में ये start हो चुका है, MWay start हो चुका है, और since last 8 years MWay is the number one direct selling company in the world as well as in India, okay?
तो यहाँ पे अगर हम कुछ मार्केट ट्रेंड्स देखें तो अकॉर्डिंग टू, आपने फिकी और केपीएमजी का नाम तो सुना ही होगा, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि मार्केट ट्रेंड पे रिसर्च करते हैं, ओके। और अकॉर्डिंग टू फिकी एंड केपीएमजी, इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री है दैट विल रीच अराउंड 645 बिलियन, सच अ ह्यूज वॉल्यूम बाय 2025, ओके। जो अभी उसका सिर्फ 7,000 करोड़ का जो अभी टर्नओवर है, दैट विल बी 645 बिलियन इन द नेक्स्ट 2 to 3 4 years, राइट। सो इतना ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल का एक कंपनी है जो कि हमें मिल रहा है ये अपॉर्चुनिटी, और जो कि हमें हेल्प कर सके लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट से राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट या विदाउट एनी लीगल ओवर, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स एमवे के बारे में अगर देख ले, तो एमवे वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1959, ऑलमोस्ट 60+ इयर्स। इट ऑपरेट्स इन 108 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एमवे के नाम पे 800 पेटेंट्स ऑलरेडी ग्रांटेड है। अब मैं आपको पेटेंट्स की बात करूँ तो पेटेंट इज द कॉपीराइट, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी का कॉपीराइट ऑथोरिटी है जो कि कोई और उसको चुरा नहीं सकता है, ओके। तो एक पेटेंट यहाँ पे अप्रूव करवाने के लिए सालों लग जाते हैं कंपनी को। हियर 800 पेटेंट्स आर ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड 270 आर स्टिल ऑन द लाइन पेंडिंग, ओके। एक ऐसा कंपनी जिसका ग्लोबल टर्नओवर मोर देन 11.4 बिलियन USD है, तो आज के डेट में ऐसा इतना ज्यादा टर्नओवर का कंपनी आपको कितने मिलेंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर, राइट। और एक ऐसा कंपनी जिसने 4.3 लाख करोड़ एज इंसेंटिव, ओनली एज इंसेंटिव आज के डेट पे किया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ओके, रादर अपने पार्टनर्स को। मैं ये वर्ड प्रेफर करूंगी क्योंकि एमवे हमें एक पार्टनरशिप प्रोवाइड करता है जो कि कोई और कंपनी नहीं करता है, राइट। अगर मैं एमवे इंडिया के बारे में बात करूँ तो एमवे इंडिया का एक, मतलब आई फील वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट एमवे इंडिया हैज इट हैज कम अप विद अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मदुरई तमिलनाडु, राइट। जहाँ पे एमवे में आज के डेट पे एमवे के ओनली 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें एक इंडिया का भी है। और इतना इतना मतलब इतना पोटेंशियल है इंडिया में क्योंकि इंडियन मार्केट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट एज ऑन डेट, ओके। तो इंडिया में इस फ्यूचर के बारे में सोच के 2025 का जो विजन है उसको ध्यान में रखते हुए एमवे इंडिया का जो ये प्लांट है वो सेटअप किया गया है, और इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1998 में एमवे के। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे, और ये प्लांट यहाँ तक केपेबल है कि इन द फ्यूचर अगर इसका ये भी एमवे का ये भी प्लान है कि इन द फ्यूचर एशिया में जो मार्केट्स में एशियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे वो इधर ही से हो। तो ये कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इट्स गिविंग अस, राइट। प्लस एमवे ऑल्सो इज अलाइंड विद वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट, ये सब, मतलब ये सब इंडियन गवर्नमेंट के स्कीम्स के साथ ये एसोसिएट अलाइंड है। एमवे इज अलाइंड विद ऑल दो स्कीम्स, ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इतने इतना सब कुछ देखने के बाद, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के बाद, ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं सो दैट वी कैन चेंज आवर फ्यूचर, राइट। क्योंकि एमवे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ में एक 360 डिग्री पॉजिटिव टर्न लेके आ सकता है, ओके। प्रोवाइडेड आप इसको अच्छे से समझे और आप इसके, मतलब यू आर एलिजिबल, यू मेक योर सेल्फ एलिजिबल फॉर दैट, ओके। फॉर दैट वॉट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू चेंज आवर ब्रांड। अभी चेंज ब्रांड के बारे में हम बात करें तो हम बचपन से बहुत सारे, कई सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट हम अपने घर पे यूज करते आ रहे हैं बचपन से, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, बट उन सब प्रोडक्ट से क्या कभी हमारे अकाउंट में पैसा आया? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ नहीं आता था, ओके। सो उसको रिप्लेस करके अगर हम एमवे का प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि एमवे के पास एक वास्ट प्रोडक्ट लाइन है, ऑलमोस्ट 200+ प्रोडक्ट्स है इनके पास, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे हम कहते हैं, ओके। सो अगर हम अपना मार्केट चेंज कर पाए तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, ओके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमवे के प्रोडक्ट लाइन क्या क्या है। वी हैव ऑलमोस्ट 6 to 7 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन बीइंग द न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जो कि अगेन वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूट्रलाइट ब्रांड के नाम से वर्ल्ड फेमस है, और ये
वर्ल्ड में एज वेल एज इंडिया में लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सेलिंग न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट ब्रांड है। ओके, अभी न्यूट्रीलाइट के पास क्या क्या है, यहाँ पे आपको प्रोटीन से स्टार्ट करके विटामिन मिनरल्स गुड फैटी एसिड सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स है कि जैसे विटामिन सी, जिसका एक टैबलेट आपको 400 mg विटामिन सी प्रोवाइड करता है और 8 hours एक्सटेंडेड रिलीज के साथ। उसका मतलब है कि आप अगर एक टैबलेट अभी लेते हैं तो उसका इफेक्ट 8 घंटे तक आपके बॉडी में रहेगा। ओके, क्या कोई और ऐसा मार्केट बेस का ऐसा कोई और विटामिन सी नहीं है जो इसके साथ कंपेयर कर सके और कर भी नहीं सकता, और यही रीजन है कि न्यूट्रलाइज इज द नंबर वन ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। उसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, हमारे पास है वसाका, हमारे पास है तुलसी, जो कि इस कोविड पेंडेमिक टाइम पे भी, इनफैक्ट मेरे ही कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी कोविड हो चुका था उनको और कोविड होने के बाद कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से वो सफर कर रहे, तब उन्होंने मुझे बोला कि हमारा तो ऐसा ऐसा है, बहुत दिन से हो गया, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। देन आई सजेस्टेड देम दिस प्रोडक्ट्स लाइक वसाका, मुलेठी सुरासा, न्यूट्रीलाइट तुलसी, न्यूट्रीलाइट एकानेशिया साइट्रस प्लस एंड न्यूट्रीलाइट विटामिन सी, जो कि आपका इम्यूनिटी बूस्टर्स है, और ये चारों प्रोडक्ट इन कॉम्बिनेशन वर्क्स वंडर्स। ओके, उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स लिए और विद इन 2 weeks दे उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आपने क्या दिया, ये बहुत ही औसम है, हमने बहुत सारे अभी तक मेडिसिन खाए थे पर कोई काम नहीं हुआ, आपके प्रोडक्ट से हम इतने मतलब वी आर सो फिट दैट हमारा अभी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो नहीं हो रहा है। सो ऐसा एक नहीं, वी हैव thousands and thousands of we get feedbacks from people. Okay, so aisa hai hamara matlab product range. Neutralite also has a traditional herb range jahan pe hamara 6 products aata hai, wo totally herbal ingredient se bana hua hai, kyunki Indian market mein herbal ke liye jo chah hai, jo customers mein herbal ke liye jo craze hai, to usko hisab usko dhyan mein rakhte hue ye traditional herbal range India ke liye banaya gaya hai. Next, we have the home care range where we have laundry detergent, where we have dishwasher, where we have LOC, which is the मतलब जो multi-purpose cleaner है। आप LOC से कुछ भी साफ कर सकते हैं, आपका floor से start करके आप door handles, glass, etc. आप utensils भी in fact उसे wash कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा एक आप मुझे floor cleaner बता दे जिससे कि आप अपना utensils भी साफ कर सके, है आपके पास कोई? I don't think so. So, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है। अब मैं अगर आपको हमारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट के बारे में बताऊं, SA8 जिससे हम कहते हैं, वो एक ऐसा लॉन्ड्री डिटर्जेंट है जिससे अगर आप अपने कपड़े धोए और उसके बाद जो पानी रह जाता है उसे आप अपने फूलों में भी दे सकते हैं। कोई भी मार्केट बेस्ड का डिटर्जेंट लॉन्ड्री डिटर्जेंट ऐसा है जो आप कपड़े धो के उस पानी को फेंके बिना उसको आप फूलों में दे सकते हैं, मुझे तो आज तक मिला नहीं है। उसके बाद फूलों का जो हालत होगा वो तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। ओके, सो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास है। नेक्स्ट वी हैव द पर्सनल केयर कैटेगरी वेयर वी हैव फ्रॉम टूथपेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, शैम्पू, बॉडी वॉश, हैंड सैनिटाइजर्स, देन वी हैव पर्सोना टैल्क, ओके, इन दैट कैटेगरी। यहाँ मैं आपको हैंड सैनिटाइजर की अगर एक बात करूँ तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके, कि मैं तो मेडिकल फील्ड में काम करती हूँ, आई ऑलवेज नीड अ सैनिटाइजर विद मी, ओके। तो जब मैं पहले हॉस्पिटल में जो अवेलेबल होता है, जब वो सैनिटाइजर यूज करती थी, आई मतलब मैं उसको यूज नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे हाथ जल जाते थे। एक्चुअली हमें एवरी 5 to 10 minutes आफ्टर वी हैंडल अ पेशेंट वी नीड टू सैनिटाइज आवर हैंड्स, राइट, क्योंकि हम एवरी 5 to 10 minutes हाथ धो नहीं सकते, तो हम हाथ को तब वो कर लेते, सैनिटाइज कर लेते। जब मैं हॉस्पिटल का सैनिटाइजर यूज कर रही थी तो मेरे हाथ पूरा जल जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे आई हैड अ रफ स्किन एंड मींस इट वाज वेरी इरिटेटिंग, बिकॉज जब आपका हाथ का स्किन रफ हो जाए इरिटेटिंग मतलब इरिटेटिंग तो लगता है, राइट। पर जब से मुझे एमवीएम का सैनिटाइजर मिला है और मैं ये यूज कर रही हूँ, इवन इन द ऑफिस ऑल्सो आई कीप माई पर्सनल सैनिटाइजर विथ मी, और लोग मुझे कहते हैं क्योंकि क्यों पैसा खर्च करके वो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, ये यूज करो क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है, राइट। बट फ्री में मिल रहा है बोल के आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई स्किन, आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई हेल्थ फॉर दैट। एमवे सैनिटाइजर में भी एल्कोहल है बट इट हैज अ वेरी लो कंटेंट ऑफ एल्कोहल एंड इट ऑल्सो हैज मीन्स इट ऑल्सो हैज मॉइस्चुराइजर्स विच कीप योर स्किन मॉइस्चुराइज ऑल द टाइम।
ओके सो ऐसे छोटे छोटे कुछ मतलब पॉइंट्स है जो मुझे प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड आई लव माय प्रोडक्ट रेंज. ओके हमारे पास एक ब्यूटी की टाइप रेंज है, उसमें दो हमारा सेगमेंट्स है, एक है एटीट्यूड जो की है प्रीमियम रेंज एंड एक है आर्टिस्ट्री जो की एक सुपर प्रीमियम रेंज है. ओके आर्टिस्ट्री अगेन लेट मी टेल यू ये वर्ल्ड का नंबर वन स्किन केयर प्रीमियम सुपर प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है और इंडिया में इट्स वन ऑफ द टॉप फाइव. ओके सो और जो चार है इंडिया में उसे तो हम मतलब वो तो अवेलेबल ही नहीं है, बट थैंक्स टू एमवे कि ये हमारे पास आर्टिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है एंड उसे हम यूज कर पाते हैं क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी. रिमेंबर स्किन अगर आपका स्किन पे कोई मतलब वो प्रॉब्लम हो देन इट विल अफेक्ट द होल ऑफ योर बॉडी. सो हमें अपना स्किन मतलब टू कीप माय स्किन इन अ गुड वे इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके सो यहाँ पे हमारा एक रेंज आता है जो कि यूटेंसिल्स का रेंज है, वो क्वीन हमारे पास है अवेलेबल और क्वीन एक ऐसा यूटेंसिल्स है यहाँ मैं आपको बता दूँ जिसपे आप जीरो ऑयल कुक कर सकते हैं विदाउट इवन मतलब आपका जो खाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको इंटैक्ट रख के आप विदाउट एडिंग अ ड्रॉप ऑफ ऑयल यू कैन कुक चिकन, यू कैन कुक मटन, यू कैन कुक फिश, एनीथिंग यू वांट. जीरो ऑयल कुकिंग यहाँ पे पॉसिबल है. ओके क्योंकि आप इतने दाम इतने मतलब पैसा भर के आप अगर सामान से बाजार से अगर आप लेके आते हैं सामान उसको आप अच्छे से कुक ना करें, आपका कुकिंग मेथोडोलॉजी ठीक ना हो तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलता नहीं, राइट. उसके बाद है हमारा एयर प्यूरीफायर जो कि एटमॉस्फेयर ड्राइव एटमॉस्फेयर मिनी, क्योंकि हमारा जो घर में भी हमारा बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, राइट, जो कि हमें ध्यान में नहीं आता है, बट उसके लिए हमारे पास है एयर प्यूरीफायर. उसके बाद है हमारा एग्रीकल्चरल रेंज है जो कि आपका 80 और एग्रीकल्चरल रेंज का ये स्पेशलिटी है कि ये आपके आपका जो जमीन है उसका जो पानी सोखने का एबिलिटी है ना उसको बढ़ा देता है. तो अगर आप पहले 1 लीटर पानी अपने पौधों में अगर 1 लीटर पानी दे रहे थे तो आप साइड के यूज करने के बाद आप उसको 1/2 लीटर या फिर 250 ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट उसका ग्रोथ सबसे अच्छा होगा, अच्छा ग्रोथ होता है उससे. ओके सो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो कि ऑसम है और इन प्रोडक्ट्स का क्या क्वालिटी है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास हैविंग हाईएस्ट क्वालिटी. आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका क्वालिटी ऐसा है और ये आपको 30 days मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है. क्या कोई मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट आपको देगा 30 days मनी बैक गारंटी? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं है. ओके पर एमवे अपने प्रोडक्ट्स पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये आपको 30 days मनी बैक गारंटी देता है. आप 30 days के अंदर 30% उसको यूज करके अगर आप सेटिस्फाइड ना हो उसको रिटर्न दीजिए, आपको पैसा वापस मिलेगा. है कोई ऐसा कंपनी जो आपको ये बोल सके? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे आज तक कोई नहीं मिला है, राइट. और सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इको फ्रेंडली इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल 3 E's फॉलो करते हैं. ओके तो हम ये हमेशा एक बात मैं पहले सुनती थी जब मैं इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड नहीं हुई थी तब मैं सुनती थी एमवे को. मैं तब से मतलब एमवे को मैं बहुत साल पहले से ही जानती थी, तब मैं ये सुनती थी कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और मुझे भी तब यही लगता था. पर जब मैं इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हुई और मुझे पता चला कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटीज है, तब मैंने कंपेयर करके देखा कि ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, रादर इट इज इकोनॉमिक. इफ यू नो हाउ टू यूज इट, इफ यू नो व्हाई टू यूज इट, देन इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिक. ओके इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव है. उसके बाद ये प्रोडक्ट रेंज जो सबसे मतलब जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि ये प्रोडक्ट रेंज हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा. ओके आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करें, आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और उससे आप अपना बिजनेस बना सकते हैं. तो आपके एक्सपेंडिचर को आप इनकम में कन्वर्ट कर सकते, राइट. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ डू वी नीड टू इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच आई थिंक ऑल ऑफ अस आर, व्हाट वी नीड टू डू. ओके तो फर्स्ट स्टेप इज द फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. अगर आप ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना होगा अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं. अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को ओनली यूज करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि अभी अभी मेरे पास एक स्टेबल इनकम है, मुझे इनकम अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, तो आप इसको प्रोडक्ट्स यूजर के हिसाब से इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं.
ओके तो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, आपको अच्छा लगा तो आप किसी किसी को अपने नेबर्स को फ्रेंड्स को रेकमेंड कर सकते हैं और रिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एज ए बिजनेस ओनर रजिस्टर करेंगे। ओके, एज ए बिजनेस ओनर रजिस्टर करने के बाद आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे और साथ ही आप एक कस्टमर नेटवर्क बिल्ड करेंगे। अब नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे, ये आपको थ्रू अ एजुकेशन सिस्टम यू विल गेट टू नो दैट। बट आज मैं जो आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ ना, तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू यू, मतलब मैं पहले मुझे लगता था कि मैं कैसे मतलब ये सब करूंगी, ओके, बट आफ्टर आई गॉट एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस आई केम टू नो दैट देयर इज अ टीम एंड अ एजुकेशन सिस्टम विच विल हेल्प मी। ओके, सो उसके बाद मैं ये अपॉर्चुनिटी को शेयर करूंगी, जैसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ बिजनेस बिल्डर्स, ओके, जो मेरे जैसे लाइक माइंडेड पैशनेट पीपल होंगे उसके साथ मैं एसोसिएट करूंगी। और इस बिजनेस की एक खास बात क्या है, अगर आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब लोगों के साथ शेयर करनी है, अगर आपको कोई अच्छा ना लगे तो उसके साथ आप शेयर मत कीजिए, जो आपको अच्छे लगे उनके साथ आप शेयर कीजिए। पर मेरे प्रोफेशन में क्या होता है, अगर मुझे पर्सनली मतलब कोई आदमी अच्छा ना लगे बट ही कम्स टू मी फॉर ट्रीटमेंट आई हैव टू प्रोवाइड हिम, राइट, तो ये बिजनेस वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई अच्छा ना लगे उसे बात मत कीजिए, टॉक टू द नेक्स्ट पीपल, बिकॉज वी डोंट नीड सो मच पीपल, वी जस्ट नीड अ टीम ऑफ फ्यू पीपल हु आर एक्टिव एंड पैशनेट लाइक अस, राइट। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद जब हमने आईडी ले ली तो उसके बाद क्या होता है, हमारे साथ एसोसिएटेड हो जाता है। आपको इस बिजनेस में एसोसिएट होने के लिए हमेशा एक स्पॉन्सर की जरूरत होगी। अगर आज आपको आज यहाँ पे किसने इनवाइट किया है, ही और शी विल बी द स्पॉन्सर इन योर, ही विल बी द स्पॉन्सर फॉर यू इन दिस बिजनेस, ओके, और आपके स्पॉन्सर के साथ हमेशा एक टीम एसोसिएटेड होगी, जो टीम बहुत ही सक्सेसफुल लोगों से मतलब कंप्राइज करती है, और उन लोगों ने कैसे ये बिजनेस बिल्ड किया है ये टीम आपको हेल्प करेगी। द टीम एंड योर स्पॉन्सर विल एट एवरी स्टेप ये आपको गाइड करेगी कि कैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड करें एंड हाउ यू कैन बी प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस, राइट। अलॉन्ग विद द टीम एंड स्पॉन्सर वी हैव एमवे विच प्रोवाइड्स अस ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द ट्रेनिंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी, litigations, everything, infrastructure, everything, and we will take care of. Okay? और उसके साथ यहाँ पे एक system, education system, जो मैं आपको कुछ देर पहले बोल रही थी, Brit Worldwide, okay? Brit Worldwide एक ऐसी university है जो कि हमें every step पे education provide करती है, क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो इस business पे आपको इतना ज्यादा help नहीं करेगा, right? तो हमें कुछ soft skills की जरूरत पड़ेगी, like people skills, like how to communicate with others, okay? तो ऐसे soft skills को सीखने में आपको Brit Worldwide help करेगा, they'll always provide you a education system, and उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि Brit Worldwide is the largest university that has produced largest number of millionaires and billionaires in the world till date, okay? So Brit Worldwide हमें इन सब में assist करेगी, और एक बार हम इस business के साथ join हो गए तो हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलेंगे, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है जब हम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वो है रिटेल डिस्काउंट। जब हम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर एनी टाइम जब हम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वी गेट एन इंस्टेंट 10% रिटेल डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट इज द ट्रेड डिस्काउंट विच इज अगेन 10% एंड इट कम्स टू योर अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, आपके अकाउंट में आएगा वो। उसके बाद आता है आपका सेल्स कमीशन विच इज 3-21% सेल्स कमीशन आपका। See, it is a business and business runs on turnover, right? So, हमें भी कुछ turnovers करने होते हैं, उस turnover के हिसाब से हमारा pin level, certain pin levels we are assigned to, okay? और उस pin level के हिसाब से हमें 3-21% sales commission monthly मिलता है, और उसके बाद जब आप 21% qualify कर लेंगे, which is the last pin, उसके बाद you are assigned to certain leadership bonuses, because then you will be called a leader and you will have a large team to lead, okay? So 6-19% लीडरशिप बोनस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तब,
ओके सो ये सब है कुछ रिटेल प्रॉफिट जो कि अभी तो कोर प्लस इंट्रोड्यूस हो चुका है उसके साथ आपका ये रिटेल प्रॉफिट और भी ज्यादा 30-40% ऑलमोस्ट बढ़ जाता है. ओके सो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स उसके उससे हम अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. ओके जैसे आपने पहले इस बिजनेस पे आपने वो किया है साइन किया है और आपके सिंगल फैमिली का आपके अकेले का टर्नओवर है रुपीज 10,000 जो कि आप अपने यूज के लिए और प्लस कुछ आप रिटेल भी करते हैं अपने नेबर्स को अपने रिलेटिव्स को रिटेल करते हैं तो आपका हो जाता है पर मंथ का टर्नओवर हो जाता है आपका 10,000. उसके हिसाब से आपका रिटेल मार्जिन ट्रेड डिस्काउंट CSI एटसेट्रा सारे इंसेंटिव्स मिलके आपको ऑलमोस्ट 1875 रुपीस एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में आता है. ओके सो यहाँ आप मुझे एक बात बताइए आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और एक दो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसके वजह से अगर आपको 1875 मिल रहा है तो मतलब बिजनेस में पैसा है राइट और एट द एंड ऑफ द ईयर योर ईयरली इनकम इज ऑलमोस्ट 22,500. ओके बिना कुछ किए आप बस एक दो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और एक दो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हैं जो कि हम ऐसे भी करते ही हैं हम बहुत कुछ प्रमोट करते हैं होल डे राइट तो इसके वजह से आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 22,500 एक्स्ट्रा मिल रहा है. ओके नेक्स्ट टाइम प्लीज यही काम अगर आप अपने साथ अगर आप 10 फैमिलीज को सिखा दे अगर आप 10 लोगों को आप ये काम सिखा दे कि कैसे ये कुछ यूज करके कुछ शेयर करना होता है तो आपका मंथली टर्नओवर हो जाता है 1 lakh बिकॉज 10 फैमिलीज इंटू 10,000 इज 1 lakh और तब आपका मंथली इनकम कितना हो जाता है 6,675. दैट्स अ वेरी गुड इनकम राइट. आपने क्या किया जस्ट कुछ यूज किया कुछ प्रमोट किया और कुछ लोगों को सिखाया कि कैसे करते हैं राइट तो इससे आपका ईयरली इनकम कितना हो जाता है ऑलमोस्ट 80,000 to 81,000 राइट. यही काम अगर आप नेक्स्ट 100 फैमिलीज को सिखा देते हैं तो आपका टर्नओवर कितना हो जाता है 10 lakhs. नाउ हियर इज द रियल ट्विस्ट एक काम अगर आप अकेले करते हैं तो क्या होता है अगर आप 10 फैमिलीज को सिखाते हैं तो क्या होता है और 100 फैमिलीज को सिखाते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है. अगर आप वो 10 फैमिलीज के साथ कर रहे होते हैं तो 6,000 मंथली 100 फैमिलीज के साथ कर रहे होते हैं तो 1 lakh मंथली. दिस इज कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग. ओके अकेले आप कुछ नहीं कर सकते यू ऑलवेज नीड अ टीम ऑफ यू ऑलवेज नीड अ नेटवर्क टू ग्रो राइट. तो आप खुद भी कर रहे हैं आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं इससे क्या होता है आप भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं वो जो दूसरे आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं राइट. एट द एंड ऑफ द ईयर यू गेट ऑलमोस्ट 12-13 lakhs. अब आप सोच के देखिए अपने प्राइमरी प्रोफेशन के साथ अगर आपको ये 1 lakh का मंथली इनकम एडिशनल आता है तो क्या वो आपके लिए बुरा होगा. मुझे तो नहीं लगता इनफैक्ट दैट विल बी द बेस्ट थिंग आई कुड गिफ्ट माई सेल्फ राइट. तो इसके बाद जब हम इतना इनकम क्रॉस कर लेते हैं जब हम 21% का लेवल क्रॉस कर लेते हैं देन एंड वी मेंटेन इट फॉर 6 months वी आर कॉल्ड अ प्लैटिनम राइट. और उसके बाद अगर हम लोगों को हेल्प करते हैं टू गो प्लैटिनम टू रीच दैट लेवल देन वी आर कॉल्ड एन एमरल्ड एंड हमारे पिन लेवल ऐसे राइज हो जाते हैं. ओके सो आज आपको यहाँ पे किसने इनवाइट किया है उसके साथ आप एक बार फिर से बैठे और ये प्लान फिर से दोबारा देखे बिकॉज फर्स्ट टाइम पे हो सकता है आपके कुछ कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो जाए. जब आप फिर से ये प्लान देखेंगे देन इट विल बी ऑल क्लियर फॉर यू. ओके जब हम प्लेटिनम लेवल में क्वालिफाई कर लेते हैं तब से स्टार्ट होता है हमारा फॉरेन बिजनेस राइट. द थिंग विच जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आई लव ट्रेवलिंग. बचपन से मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद था और मुझे इस बिजनेस से ये पोटेंशियल मिला है कि मैं ट्रैवल कर सकूं राइट. सो आफ्टर जब हम प्लेटिनम रीच कर जाएंगे उसके बाद से हमारा फॉरेन ट्रिप स्टार्ट होता है एट वेरियस लेवल्स. आपके पिन लेवल पे डिपेंड करके आप ईयरली 1-3 फॉरेन ट्रिप्स आप ईयरली क्वालिफाई कर सकते हैं. और फॉरेन ट्रिप्स भी किस लेवल का यहाँ पे आपको एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. When you go to travel outside, everything is free of cost. और आपको facilities भी 5-star, 7-star ऐसी facilities मिलेंगे free of cost. Okay? क्योंकि हमने वैसे लोगों से हम मिल चुके हैं जो ये सब foreign trips मतलब yearly avail करते हैं. Okay? Next slide please. तो इधर मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहती हूँ जो कि अपने अपने profession में वो लोग बहुत ही successful है फिर भी ये business build कर रहे हैं और इस business में भी वो लोग एक बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल को वो लोग छू चुके हैं. ओके तो
यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर है दे आर कांति एंड लता गरा, दे आर पोस्ट पीएचडी रिसर्च साइंटिस्ट. नेक्स्ट हरभजन एंड मोहिंदर ब्राइज, दे बोथ आर फिजिशियंस. कुलीन देसाई, ही इज द एक्स बीपी ऑफ सिटी बैंक. सुमित बहादुर एंड तानिया बहादुर, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सुमित बहादुर, ही इज द गोल्ड मेडलिस्ट एंड हिज वाइफ एज वेल, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट इन आईआईटी. ओके, प्रियव्रत कुमार, ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर. अंकुर गुप्ता, ही इज अ चिप डिजाइनर अलॉन्ग विथ हिज वाइफ तरु गुप्ता, हु इज एन एचआर मैनेजर. अनुराग अग्रवाल, ही वॉज एन एमबीए. एंड धर्मेंद्र राणा, ऑल दीज पीपल आर दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर पर्सनल लाइफ, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ. ओके, बट स्टिल उन लोगों ने ये बिजनेस बिल्ड किया बाय चॉइस. ओके, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इफ यू आर बिल्डिंग दिस बिजनेस, यू नीड टू बिल्ड इट बाय चॉइस. ओके, क्योंकि उन्होंने ये बिल्ड करके अभी वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से भी अर्ली रिटायरमेंट ले चुके. ओके, और तो इन सब के बाद मैं आपको कुछ टॉक्स और कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहूंगी. आप इन सबको सुने, आज आपको किसने इनवाइट किया है उनसे आप एक बार इन सब के बारे में बात करें. और उनके पास एक सक्सेस प्रोफाइल बोल के एक बुक होगी, एक प्रोफाइल होगी जो कि सक्सेसफुल पीपल की उनमें लाइफ हिस्ट्री है. तो आप उसको ले, उनसे मांग के ले और उनको पढ़े, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. और ऐसा नहीं है कि इधर में सिर्फ ऐसे प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोग ही इसको बिल्ड कर सकते हैं. वी हैव मेनी पीपल हियर हु आर बस कंडक्टर्स एंड दे हैव वेरी एफिशिएंटली बिल्ड दिस बिजनेस. क्लास 4 पास भी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने वेरी एफिशिएंटली ये बिजनेस बिल्ड किया है. क्योंकि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ मतलब प्रोफेशनली सक्सेसफुल या फिर कुछ एज यहाँ पे मैटर नहीं करता. ऑल व्हाट मैटर्स इज योर ड्रीम्स, आपका वाई, आपका रीजन अगर क्लियर होगा, आपका ड्रीम्स अगर क्लियर होगा, देन यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस. ओके, सो सम टॉक्स एंड सम बुक्स, इफ यू कैन टॉक विथ योर इन्वाइटीज तो वो आपको ये सब प्रोवाइड कर देंगे. आप एक बार फिर से अपना स्टडी आप खुद करें, आप सिर्फ मेरी बात पे ध्यान मत दें. आप ये सब सुने, बुक्स पढ़े, देन यू विल गेट ए क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट दिस बिजनेस. ओके, तो हियर अगर हम पूरी पूरे प्लान को कुछ पॉइंट्स में अगर हम उसको सम अप करें तो क्या है, सिंस इट इज अ बिजनेस सो वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम, बिकॉज विदाउट टाइम इन्वेस्टमेंट वी कैनॉट बिल्ड अ बिजनेस, राइट. सो 10 to 12 आवर्स पर वीक वी नीड टू गिव इट. अगर आप हर रोज के हिसाब से 1-2 घंटा दे वो भी चलेगा, अगर नहीं आपको वीकेंड में सिर्फ 1 दिन मिलता है तब आप टाइम देंगे तब भी चलेगा, बट time investment is essential. okay, accountability, what is accountability? is business mein aapke upar koi boss nahi hai, you don't have a boss. like aaj main yahan pe baithi hu, mujhe kisi ne bola nahi hai ki aap idhar baith ke aise baat karo. okay, if I am doing it, I am being accountable to myself. okay, kyunki ye mera business hai, mujhe is business mein kya mujhe is business mein success hasil karna hai aur uske liye I am just being accountable to myself. okay, willing to associate and learn. okay, हमें सीखने के लिए जो मतलब willingness वो हमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. we need to learn how to develop network of clients. okay, हमें कैसे network create करना है वो हमें सीखना है. and lastly the most important point, identify your reason. okay, क्योंकि अगर आपका reason clear नहीं होगा तो आप कुछ भी करें that will always not give you a positive result. okay, identify your reason. reason कुछ भी हो सकता है, जैसा मेरा reason था early retirement, I don't want to work till 60, like means at old age I don't want to retire from work, I want to retire early, plus I love traveling, plus I love recognition, all these things has attracted to me to this business. okay, so ऐसे आपका भी reason कुछ भी हो सकता है. you might have a ड्रीम हाउस, यू माइट हैव अ ड्रीम कार, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि आप मतलब अपने आप को फिट रखे, यू नीड टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, या फिर आपको चैरिटी अट्रैक्ट करे, कुछ भी आपका रीजन हो सकता है, जस्ट रीजन होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, राइट. तो यहाँ मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड कर रही हूँ. बस एंड करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी कि हो सकता है आज यहाँ पे मैंने बहुत सारे नए लोगों को आज देखा है, हो सकता है आप लोग अपने प्राइमरी प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है एंड you might think that you don't need any second opportunity, right? but agar aapka profession aapko 1% bhi aapko doubt hai ki aapka profession aapko aapka dream life nahi de sakta, ye jo hum money and life ka perfect balance ke bare mein baat kar rahe hain, jo hum life of choice ke bare mein baat kar rahe hain, wo aapko aapka profession nahi de sakta, then we are very very happy, we'll be very very happy to help you. come and join us.
थैंक यू, बैक टू द होस्ट। I think the host is there somewhere, but maybe network issues are there. Once again, my host or title to learn to my host ka to duty hai, main le leta hoon. I Santanu Saikia, really, really congratulate Subhasmita Saha for showing such a wonderful, wonderful presentation. Main chahta hoon ki maximum log apna mic ko unmute karte hue bahut hi zordar ek taali bajaye. Please, pura unmute karke har koi itna to kar hi sakte hain aap log. Thank you so very much for giving us such a wonderful plan. Yes, please. Today's host, aap apna mute unmute karke aap carry on kare. Haan, unmute kijiye. Unmute nahi ho raha hai. Unmute nahi ho raha hai. Haan. Okay. Haan, please carry on. थैंक यू सुष्मिता जी, बहुत बढ़िया प्लान दिखाया आपने। आपके प्लान के बाद तो कुछ रहा ही नहीं। अब मैं नए लोगों से यही बोलूंगा कि अब तो ज्वाइन करने का ही समय है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है ज्वाइन करने का, वो तो कर ही ले जितना जल्द हो सके। तो चलिए इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और बात कर लूं। बाकी तो सुष्मिता जी ने क्लियर कर ही दिया, इसमें कुछ काम भी करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि बिजनेस को करना है, तो अब आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूं, थोड़ा सा समय है। तो देखिए, बिजनेस में थोड़ा सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए हमारे पास कुछ ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग है, कुछ बुक्स के बारे में सुष्मिता जी बता रही थी, जहां से आप नॉलेज गेन करेंगे। थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बता सकें। और यही जानकारी आप जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो बिजनेस बढ़ता है। तो सबसे पहला है, जैसे कि सुष्मिता जी बता रही थी कि आपको पहले खुद का जो बाइंग हैबिट है वो चेंज करना है, क्योंकि आप बाइंग हैबिट चेंज करेंगे तभी आपके पास पैसे आएंगे। और यही चीज अगर आप दूसरे लोगों को सिखाएंगे, उनका भी बाइंग हैबिट चेंज होगा, तो इस तरह से क्या होगा, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर जितना बढ़ता जाएगा उतना आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा। तो कुछ कुछ बेसिक स्टेप्स भी है इसमें, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लोगों के साथ करने का बिजनेस है, तो आपके जान पहचान में जितने सारे लोग हैं, जैसे कि आप मोबाइल में ही देखें तो कम से कम 200 से 250 लोगों का एक लिस्ट तो रहता ही है। उन लिस्ट में से भी आप बात कर सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं। पहला तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि देखिए अभी हेल्थ चैलेंज, लोगों के पास ये एक बहुत बड़ी समस्या है हेल्थ को लेके, तो एक हम हेल्थ के बारे में भी बात कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन दे सकते हैं कैसे हमको हेल्थी रहना है। उसके लिए हमारे पास दुनिया का नंबर वन जो सप्लीमेंट ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, वो हमारे पास है। तो काफी लोगों को आप हेल्थ के बारे में बता सकते हैं ताकि उनका हेल्थ अच्छा हो। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए भी सोचते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी भी आप दे सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। आप बता सकते हैं कि क्या आप पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आप खाली समय में कुछ पैसा और बनाना पसंद करेंगे। अगर वो हाँ कहते हैं तो हम उनको ये बिजनेस प्लान देते हैं, और प्लान के जरिए उनको हम बिजनेस में लाते हैं, और फिर उनको भी यही चीज सिखाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलते रहता है, इसको बोलते हैं 4 basic steps, जहाँ पे लोगों को लाते हैं, लोगों को थोड़ा बहुत सिखाते हैं, फिर उनको अगले लोगों को सिखाने के लिए फिर उनको प्रेरित करते हैं, फिर उनको हेल्प करते हैं। ये करते 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 ये बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। और कुछ ऐसे भी काम है जो हमें रोजाना करना है, जिसको बोलते हैं 9 core steps, जहां पे सबसे पहला है कि हमको प्रोडक्ट यूज करना है। सबसे पहला ये डिसीजन लेना है कि हमको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है। अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हम कॉन्फिडेंटली दूसरे लोगों को यूज करने के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो नंबर वन ये करना है कि हमें प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा है कि हमको 20 से लेकर 30 या हो सके तो 50 से लेकर 100 तक भी क्यों नहीं, जितना ज्यादा हो सके हम लोग एक कस्टमर का नेटवर्क बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमको एक पर्सनल वॉल्यूम करने में आसानी होगी। बहुत सारे लोग रहेंगे तो आसानी से वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जैसे कि अभी ऑडियो स्ट्रीमिंग है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, हमें हमेशा नए नॉलेज की जरूरत है। हर महीने नए नए नॉलेज आते रहते हैं उसमें, वो हमको सुनना है और अपने टीम को भी सिखाना है उसको सुनने के लिए। और कुछ किताबें हैं जो पढ़ना है। और फंक्शन की बात करूं तो पहले हम लोग फिजिकली मीटिंग क्या करते थे, लेकिन ये पेंडेमिक सिचुएशन के समय में हम लोग फिजिकल मीटिंग तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जूम सेशन करते हैं। तो ये हर सप्ताह जूम मीटिंग हमारा होते रहता है, उस पर हम लोगों को बुलाते हैं, और आप लोग भी लोगों को बुलाइए ताकि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम चले।
उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब सीखने की इच्छा, हम लोग हमेशा सीखने की मूड में रहेंगे तो हम लोग ज्यादा सीख पाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी जैसे कि हम लोग जो वादा करते हैं, चाहे छोटी छोटी बातें हों, अगर कभी किसी को प्रोडक्ट देने की बात हो तो कभी हमें बहुत दूर भी जाना पड़ता है, एक छोटा सा प्रोडक्ट को लेके हम काफी दूर चले जाते हैं, वहां पे ऐसा भी माइंड में आता है कि इतना दूर जाएंगे छोटा सा प्रोडक्ट को लेके तो शायद मुश्किल होगा या मेरा खर्चा उससे ज्यादा हो जाएगा, ऐसा भी कभी कभी आता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, हमको बड़ा सोचना है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, अगर हम बोल दिए हैं कि हमको जाना है तो जाना है। अगर किसी के साथ टाइम का कमिटमेंट करते हैं या पैसे के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो कमिटमेंट रखना है। और कम्युनिकेशन की बात जब आती है तो हमेशा कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बिजनेस है कम्युनिकेशन का बिजनेस है। हम अगर खूब कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा गुरु कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और अगर हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर ये बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो ये जो 9 कोर स्टेप्स है ना, इसमें बहुत पावर है, इसको अगर हम लोग रोजाना करें तो इससे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। और कुछ ऐसे पावर्स के बारे में बताया गया है जिसको अगर आप माने तो इससे भी आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, जैसे कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोलने की शक्ति। हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसी हिसाब से वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग अगर हर वक्त निगेटिव बोलते रहेंगे, हमारा कॉन्शियस माइंड में निगेटिव जाता रहेगा, तो वो फिर प्रोग्रामिंग क्या करेगा, निगेटिव ही करेगा, और उसका फिर रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम लोग जानते ही हैं। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा हमारा जो वर्ड्स है उसको सही तरीके से बोलना है। दूसरा है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। देखिए एकता में बहुत पावर है, हम लोग जो अकेले काम नहीं कर सकते हैं वो एक टीम कर सकता है, क्योंकि हम लोग पूरे टीम मिलकर अगर कोई काम करें तो ये आसानी से हो सकता है और ये बड़ा हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पावर ऑफ सबमिशन, सबमिशन मतलब समर्पण। किसको समर्पण करेंगे हम लोग, एक सिस्टम को समर्पित करेंगे, हम लोग किसी एक इंसान को समर्पित नहीं करते हैं, हम लोग एक सिस्टम को समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में बहुत सारे हजारों लाखों लोग होते हैं और उसको मिलकर ये सिस्टम चलता है। तो एक सिस्टम के साथ जब हम लोग रहेंगे तो सही गाइडलाइंस के साथ रहेंगे और सही तरीके से हमारा काम होगा। तो ये तीन जो पावर्स है इसको फॉलो करना है। और कुछ कार्डियन रूल्स के बारे में बताया गया है जो हमें नहीं करना है, क्योंकि कार्डियन रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उसको ब्रेक करते हैं, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करना है। जैसे कि नंबर वन है, कोई भी काम पहली बार करते हैं, स्पेशली नए लोगों को मैं बता रहा हूँ, कोई भी काम अगर पहली बार करते हैं तो जरूर आप अपने अप्लायंस से चेक कर लें, क्योंकि जो गलती वो कर चुके हैं वो गलती से शायद आप बच जाएंगे, और उनका जैसे उनका समय उनका पैसा जो बर्बाद हुआ वो आपका नहीं होगा। दूसरा ये है कि पैसे के मामले में बताया गया है कि लेन देन हमेशा क्लियर रखें, किसी के साथ लेन देन में कोई गड़बड़ी ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटी छोटी भूल की वजह से आपका बड़ा बड़ा बिजनेस खराब हो सकता है। उसके बाद बात बर्ताव में भी सही तरीके से बात करना है लोगों के साथ। जैसे देखिए हर एक इंसान के पास अपना एक पर्सनल ईगो होता है, किसी के ईगो को हार्म नहीं करना है, क्योंकि हम इस बिजनेस से जब आते हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो हमें हर एक आदमी का ईगो को सेटिस्फाइड करके रखना है। और तीसरी बात यह है नेवर डू निगेटिव, निगेटिव से दूर रहना है हमको, निगेटिव बहुत पावरफुल होता है, इसलिए निगेटिव नहीं बोलना है, नहीं सुनना है, और निगेटिव के बारे में टीम में ज़्यादा कोई भी आइडिया शेयर नहीं करना है। तो ये तीन काम अगर हम लोग ना करें तो ये बिजनेस को हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, और स्पेशली मैं नए लोगों को बोलूँगा कि आप इसी तरीके से जूम मीटिंग में आते रहिए, हर सप्ताह हमारा जूम मीटिंग होते रहता है, और जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं उनको जिन्होंने इन्वाइट किया है उनके साथ आप फिर दोबारा बैठिए और इसके बारे में और अधिक जानकारी लीजिए, आप जितना हो सके इसका इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको ये बिजनेस करने में आसानी हो और आप दूसरे लोगों को भी बता सकें इसके बारे में। सो आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आज सुष्मिता जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उसका प्लान बहुत ही क्लियर था आज, बहुत ही बढ़िया लगा। तो थैंक यू ऑल और ऑसम होस्टिंग ऑल्सो।